नमस्कार, मैं सूरत गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं विंडसर न्यूज़ में। जैसा कि आज सुबह से ही हम लगे हुए हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हम लगे हुए हैं एमसीडी के चुनाव को हम कवर कर रहे हैं, और जहां पे भी युवा लोग मिलते हैं, जहां पे भी मुझे दिखाई देती है भीड़, मैं उन सब से बात करने की कोशिश करता हूं। यहां पे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या लगता है एमसीडी में क्या रिज़ल्ट रहेगा। थोड़ा सा एमसीडी में अगर आप देखो तो 15 साल से भाजपा है, बीजेपी ने इसके अंदर रूल किया है 2007 से लेकर 2022 है। 15 साल एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। शायद कूड़े को लेके, नालियों की साफ़ सफाई को लेके वो काम नहीं कर पाए। आपको विश्वास है आम आदमी पार्टी अपनी झाड़ू से पूरे वार्ड को आपको साफ़ कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल झाड़ू चलेगी इस बार नगर निगम चुनाव में। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अगर 15 साल के अंदर कोई सरकार काम नहीं कर पाती तो आपको चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, चेंज बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चेंज नहीं लाओगे, किसी दूसरी पार्टी को मौका नहीं दोगे, तो कैसे पता लगेगा कि ये पार्टी भी काम कर सकती है जनता के बीच रह के, साफ सफाई के मुद्दे पे? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी की तो 10 साल से अभी है, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, उससे पता चल रहा है। मैं थोड़ा और भी जाने जी, आप क्या कहना चाहोगे अपने कैंडिडेट के बारे में, और स्पेशली जो है पिंकी नरेश त्यागी के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बदलाव हम चाहते हैं एमसीडी में। हम भाजपा 15 साल से देख रहे हैं, कोई काम नहीं आ रही हमारी ना एमसीडी में। जो उनके काम होते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पा रही है। चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए बीजेपी का, वो बिल्कुल काम नहीं करता। चाहे ये स्कीम लगा के अपना नया कैंडिडेट भी लाते हैं, हम उससे भी अपना जी, जी, कुछ भी नहीं। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, भाजपा ने अब तक जैसे सभी भली भांति इससे परिचित हैं, जितने क्षेत्रवासी हैं छतरपुर के, उसमें ये देख लीजिए आप कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले माता चौक पे एक लाश पड़ी हुई थी नाली में, जिसका 3 दिन तक वो सड़ती रही, ना तो कोई वहाँ से उसको नाली को साफ करने आया। जब क्षेत्रवासियों ने देखा यहाँ पे, तो जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक लाश भी है जो काफ़ी दिन से सड़ गई, इतना बुरा हाल है यहाँ का। और भाजपा के जितने भी अपने अब तक के पार्षद आते हैं, हर बार आप देखना नोटिस करो, हर बार ये कहते हैं कि जो सिटिंग पार्षद है उनकी टिकट चेंज कर देते हैं। आम आदमी पार्टी पे आपको पूरा यकीन है कि वो आपकी दफ़ा जो है एमसीडी में अच्छा करेंगे? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी का अभी तक जितने भी दावे करे हैं सब पे खरी उतरी है, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसी खरी उतरेगी। और जो अभी तक जो यहाँ से कैंडिडेट हैं, पिंकी नरेश त्यागी जी, जो पिछली बार 2 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो आगे चल के क्या है कि यहाँ के जो जनता है उनके अंदर आक्रोश है कि जो 2 वोट का पिछली बार जो टीस थी वो इस बार हम पूरी करेंगे, 20,000 वोटों से अपनी पूरी करेंगे। अभी तक तो हम 4,000+ के सर्वे में आ ही रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। ये युवा हैं जो अपने छतरपुर से हैं, छतरपुर वार्ड से, और सभी ने अपनी अपनी राय रखी। देखते हैं, वही मेरा जुमला है कि आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है, कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगी या हाथ का जादू। थैंक यू वेरी मच, आप हमारा चैनल देखिए।